आप यादव है, कुछ यादव आपसे नाराज ना हो जाए। यार उससे क्या मतलब है, कहे नाराज हो जाएंगे? अभी मैं रिपोर्टिंग किया हूँ कुर्की बाजार में, कह रहे हैं यादव तो बदनाम है सपा के लिए। यार हम नमस्कार, मैं अजीत भराटा News 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस समय हमारी मौजूदगी जनपद अम्बेडकर के अंतर्गत अकबरपुर के अंतर्गत है और आप देख सकते हैं लोकसभा का चुनाव समीप में है और ऐसे में तमाम पार्टियां जो है चुनाव जीतने का दावा करती हैं। साहब हम आपको बता देना चाहते हैं, अम्बेडकर नगर में भाजपा से श्री हितेश पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं और सपा से श्री लालजी वर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से श्री मोहम्मद कलाम शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अम्बेडकर नगर से कौन जो है चुनाव जीत पाता है। आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ ऐसे ही युवा मौजूद हैं जो अपनी राय को बताना चाहेंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? शिशिर यादव। शिशिर यादव जी, इस बार लोकसभा का चुनाव समीप में है तो क्या लगता है अम्बेडकर नगर में हमेशा जो है जो 5 विधानसभा सीट है हमेशा सपा खाते में गई है तो इस बार क्या लगता है जो है सांसदी का जो चुनाव है कौन जीत पाएगा? देखिए हम लोग सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ रहते हैं जी और उनका बीजेपी से गठबंधन है, हम लोग उनके साथ हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। अच्छा, वो जहाँ रहेंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे, जहाँ वो जाएंगे उन्हें। वो तो दरबदलू वो भी तो है यार, कौन कहता है दरबदलू है? हाँ। यार समाजवादी पार्टी गठबंधन करे तो नहीं दरबदलू, बीजेपी बसपा करे तो नहीं दरबदलू, कांग्रेस करे तो नहीं दरबदलू, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर दे तो दरबदलू हो जाते हैं। ये आप लोग सिर्फ फैलाते अफवाह कि वो दरबदलू हैं, दरबदलते हैं, कौन गठबंधन नहीं करता? आपके मित्र ने कहा है। अरे यार मित्र ने कहा उनका, उनसे तो है वो कर रहे हैं। लालजी वर्मा जी बसपा नहीं आए हैं, यहाँ के जितने लोग हैं कौन नहीं दरबदला है? ये तो चुनावी गठबंधन होता है ना, ये तो गठबंधन चुनावी गठबंधन होता है। हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं, जहाँ वो रहेंगे उनके साथ रहेंगे। ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई अगर आवाज कोई उठाता है तो ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं जी। तो ओम प्रकाश राजभर तो भाजपा के साथ है, हम भी भाजपा के साथ हैं, ओम प्रकाश, हम ओम प्रकाश जी के साथ हैं। ओम प्रकाश जी, आप यादव है, कुछ यादव आपसे नाराज ना हो जाए। यार उससे क्या मतलब है, कहे नाराज हो जाएंगे? अभी मैं रिपोर्टिंग किया हूँ कुर्की बाजार में, कह रहे हैं यादव तो बदनाम है सपा के लिए। यार हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं। अच्छा हाँ जी, हम ओम प्रकाश राजभर जी के साथ हैं, हमारे पिताजी 19 साल से हैं। अच्छा, तो जो आप पसंद कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर जी को, वजह बता दीजिए, ठोस वजह। बहुत वजह है, हम बताइए, बहुत वजह है, बहुत वजह है। पिछड़ों की आवाज उठाते हैं, बैकवर्डों की आवाज, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते हैं। अभी संत कबीर नगर में नंदिनी राजभर की हत्या हो जाती है, जो ओम प्रकाश राजभर के ही नेता है, प्रदेश की नेता है, महिला नेता है। तो क्या लगता है आपको इस सरकार में? सरकार से हमारे माननीय नेताजी ओम प्रकाश जी ने कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और सरकार कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगी। आप देखिएगा कार्रवाई होगा, अपराधियों को, अपराधियों को जो है सजा मिलेगा। फरुखाबाद में भी देखिए जो कार्यकर्ता के साथ जो है बदतमीजी किया था, सस्पेंड हुआ, आप भी देखे होंगे। लास्ट सवाल, कौन जीत रहा है अम्बेडकर नगर की धरती से? ओम प्रकाश राजभर। कमल का फूल आप खिला रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, देख सकते हैं इनडायरेक्ट वे में जो है कमल को खिलाना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जीत रहे हैं। अच्छा हाँ जी।